अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार सामत, सेल मैनेजर अबुजा स्टेट टीएचए कराची। आज की वीडियो में एयरवे लगुना के बारे से अपडेट करूंगा, क्योंकि कल थर्सडे एयरवे लगुना के ऑफिशियल्स का एयरवे के डीलर्स के साथ एयरवे लगुना टीएचए सिटी कराची की साइट पे विजिट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको अपडेट मिलेगी लेटेस्ट। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद भी आपको एयरवे लगुना और डीएचए सिटी कराची के हवाले से अपडेट मिलती रहे। एयरवे लगुना, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ हुआ है। बहुत ज्यादा आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सारी चीजें आप देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से इसकी साइट पे काम भी चल रहा है, लोगों ने बुकिंग भी कराई है, अब 90% बुकिंग कम्प्लीट भी हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों ने इसमें, जो जो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इसमें बुकिंग करा ली है, उनके लिए अपडेट है कि कल जब इन्होंने एयरवाई की साइट पे हमें बुलाया, अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं था, मगर मेरे प्लेटिनियम पार्टनर्स अल करीम कैपिटल आसिफ अब्दुल करीम साहब, उनकी टीम पूरी मौजूद थी। तो वही मैंने कल डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा। बेसिकली कल इनके सीईओ मिस्टर याकूब ने, जो है याकूब इकबाल ने, इनको ब्रीफ किया, सबको साइट पे बुला के मास्टर प्लान दिखा के ब्रीफ किया और बताया कि अभी तक क्या डेवलपमेंट वगैरह हो चुकी है वहां पे। लेवलिंग और लगून जो 7 एकड़ के टुकड़े पे बन रहा है, उसके लिए डिगिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे अहम बात, जो टावर्स बन रहे हैं उसका काम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है उसका टेंडर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। और जनवरी में वो होपफुली, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि जनवरी में जो है इसका काम ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी इसके संगम में अस्करी हाउसिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डिगिंग वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है, वो भी चल रहा है। मलीर एक्सप्रेस वे बड़ी तेजी से काम चल रहा है, उसके हवाले से भी कुछ क्लिप आई थी, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताता चलूं कि मलीर एक्सप्रेस वे की भी जो एंट्रेंस है वो एआरवाई लगुना और सेक्टर 4, इन दोनों के मिड से एंट्रेंस होगी। इस वजह से डेफिनेटली सेक्टर 4 को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी अहम बात उन्होंने ये बताई वहां पे कि एक तो लेवलिंग कटिंग का काम हो चुका है, लगून के लिए डिगिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है, और जो टावर की कंस्ट्रक्शन है वो नेक्स्ट मंथ टेंडर होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है पूरा, उसके बाद किसी को भी कंस्ट्रक्शन की आप परमिशन दे सकते हैं। टावर का जो काम है वो इंशाल्लाह जनवरी में, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि जनवरी में हम काम स्टार्ट करेंगे। और दीगर इंशाल्लाह अभी दो चार चीजें भी आ रही हैं, जिसमें डीएचए गुजरावाला भी है, वहां भी ये कुछ लॉन्चिंग करने जा रहे हैं इसी किस्म की। और जिन लोगों के पास फॉर्म्स हैं वो अपने फॉर्म्स अभी सेल ना करें, क्योंकि डीएचए गुजरावाला में जब लॉन्चिंग होगी तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इन फॉर्म्स को भी कंपलसरी किया जाएगा। दूसरी अहम बात ये कि अपनी जो आपकी मेरे पास काफी क्यूरीज आ रही थी स्टेटमेंट के हवाले से, कि स्टेटमेंट लोग हमें कह रहे थे कि आप निकलवा के दें, जाहिर बात एक ऑफिशियल चीज है वो, हम उस हमारी अप्रोच नहीं हो सकती। वो जाहिर बात है जो जो अलॉटीज हैं जिनको अपार्टमेंट दे दिए गए हैं वो खुद इनको मेल कर सकते हैं, और इन्होंने हमें इस चीज की भी कंफर्मेशन दी है कि जिसने भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिए हम उनको मेल करके कंफर्मेशन भी देना स्टार्ट कर देंगे। और अगर उनके पास मेल नहीं आ रही तो अपना रेफरेंस नंबर इनको मेल करें, तो ये इंशाल्लाह उसकी स्टेटमेंट आपको जैसे बहरिया में होता है वैसे आपको ये मेल कर देंगे। बाकी ये कि अहम कराची के वाला अलावा भी अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज क्लाइंट की है, मगर पंजाब साइड पे भी अगर कोई करना चाहता है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीएचए गुजरावाला आ रहा है और इंशाल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई है और दूसरी आने वाली है। मैं समझता हूँ जितना काम ग्राउंड पे हो चुका है ऑन ग्राउंड, ये एक अच्छे बिल्डर की निशानी है, क्योंकि 6 से 5.5 से 6 फीट की कटिंग फिलिंग और लेवलिंग, 22-23 एकड़ का टुकड़ा है पूरा, ये काफी बड़ी जगह है, और उसमें 7 एकड़ पे लगून, तो ये माशाल्लाह एक अच्छा बेनिफिट है। और उन लोगों के लिए जो हमारी दरअसल डे फर्स्ट से हम लोगों की आदत लगी हुई है रियल एस्टेट में, कि हम चीज लेते हैं फौरी सेल करने पहुंच जाते हैं। जब मैंने एयरवे लगून में काम करना स्टार्ट किया था, मैंने उसी दिन बताया था कि एंड यूजर इन्वेस्टमेंट है, कम से कम आपको बेनिफिट उस वक्त मिलेगा कि आप थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आते हैं, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कुछ एडजस्टमेंट है या स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दें। मगर लोगों को शौक है, वो एक बंदा एक चीज की इंस्टॉलमेंट दे सकता है तो उनको एक ही लेनी चाहिए, उन्होंने 4-5 चीजें ली, तो अब वो थोड़ा लोग कुछ परेशान भी हो रहे हैं, मेरे पास ऐसी क्यूरीज आई हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करें उनकी इंस्टॉलमेंट दें तो
जैसे ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा वहां पे तो वो भी आप मार्केट में रिसीव कर सकते हैं। मजीद वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।